बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किशनबाग शाहिस्ता होटल के पास होटल के ऊपर की बिल्डिंग में दो दिन पहले एक साहब को जिसकी उम्र 62 साल है उनको नेगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव आने की वजह से आज उनकी फैमिली को सस्पेक्ट होने की वजह से पूरी फैमिली को 15 मेंबर को हॉस्पिटल शिफ्ट करे हैं। आज यहाँ पर किशनबाग में आप लोगों के चैनल के जरिए सभी लोगों को ये इतला दी जाती है। खुदा रहा यहाँ पर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। परसों महमूद नगर में हुआ एक साहब का इंतकाल हो गया था जो दीन साहब का, और एक ख्वाजा साहब को पॉजिटिव आया, उनके बेटे को भी पॉजिटिव आया। इसीलिए आप सबसे गुजारिश की जाती है आप इस लॉकडाउन को मेंटेन कीजिए, इसका एहतियात कीजिए। इसलिए इस तरीके से जो है हम जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हम अगर इसको ईजी लेंगे, ये वबाई अमराज जानलेवा अमराज है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम जिस तरह से ईजी ले रहे हैं उसी तरह से आप इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। आप सबसे गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, इसको लॉकडाउन को मेंटेन कीजिए, सबका साथ दीजिए। पुलिस वाले और जो जीएचएमसी के लोग जो प्रिकॉशन दिए उसे मेंटेन कीजिए, उसका एहतियात कीजिए। क्यों अगर नहीं करने की वजह से पुलिस और सख्ती करने वाली है हमारे साथ, उनकी सख्ती करना भी वाजबी है, क्योंकि हम उसको एहतियात नहीं कर रहे हैं। हम रोडों पर निकल कर तमाशे कर रहे हैं, एक चीज़ के लेने के लिए पूरी घर की बीवी और बच्चों के साथ निकल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको कोई इतना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, घर के बाहर आइए कुछ सामान लेने के लिए, मेडिकल दवाएँ लेने के लिए, कुछ आपके चीज़ें खरीदने के लिए, किराने के दुकान या तरकारी खरीदने के लिए कोई एक साहब आइए, ऐसा नहीं है अपन भी बच्चों के साथ निकल रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को फिर एक बार गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एहतियात के लिए इसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। शुक्रिया।